अमिताभ बच्चन के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब में शिकायत दी गई और उसके साथ साथ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह शिक्षा के खिलाफ यह शिकायत मनजीत सिंह जी के द्वारा दी गई। उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन ने जो 2 करोड़ रुपए दान में दिए हैं वह सिख कौम को मंजूर नहीं, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के वह दोषी हैं और उन्होंने सिखों के खिलाफ बयान दिए थे। देखिए आज की ये खास रिपोर्ट अमृतसर से विशाल शर्मा की लाइव। गुरु और जागो पार्टी वालों दिल्ली डेलीगेशन आया, साडे दिल्ली दे प्रधान और साडे कौर ब्रिगेड दे प्रधान और साडे सीनियर मैंबर आए ने। जिहड़ा मसला दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे नाल उठिया होया है कि अमिताभ बच्चन तो पैसे लए और पैसे लैन तो बाद जिहड़ा मनजिंदर सिंह सिरसा ते हरमीत सिंह कालका, हरमीत सिंह कालका दिल्ली का प्रधान भी है और हरमीत सिंह कालका जनरल सकत्तर भी है ते मनजिंदर सिरसा प्रधान है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का, वह झूठ ते झूठ बोली जाते हैं। पहले आखदा है कि 2 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वह मेरे अकाउंट च आ गया सीगा, मैनू पता ही नहीं RTGS कोई दे देवे, बिल्कुल ठीक है गल। फिर ये कर रहे 12 तरीक नूं गल, कहिंदा मैनू पता ही नहीं, मेरी कदी उन्हां नाल गल ही नहीं होई अमिताभ बच्चन नाल। लेकिन 9 तरीक का मनजिंदर सिरसे का ट्वीट है, जिस ट्वीट के विच उह लिख रहा है 3 दिन पहले कि मेरी अमिताभ बच्चन नाल रोज़ गल हुंदी सी, रोज़ मैनू पुछदा सीगा कि अज की अपडेट है, किन्ने बिस्तरे लग गए, किहड़ी परमिशन आ गई, की सिचुएशन है। ये सारी गल उहदा झूठ साबित होया। दूजा झूठ ये आख्या कि मैनू 26 साल किसी ने कहा ही नहीं कि अमिताभ बच्चन का नाँ आता है, तो मैं किवें मैनू पता लगना सीगा कि अमिताभ बच्चन जिहड़ा हैगा वह किसे 1984 च इनवॉल्व है। 2017 31 अक्टूबर का मनजिंदर सिंह सरसे का अपना ट्वीट है, दूजा झूठ अपना ट्वीट है कि अमिताभ बच्चन जवाब दे, तू खून का बदला खून दे नारे मारे सीगे 3 मूर्ति ते जिथे इंदिरा की लाश पई सी, तू इसनू मोल लाना कि जब बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, ये दूजा झूठ। तीजा झूठ जदों 2 करोड़ की कंट्रोवर्सी हुई ये आखदे कि सिर्फ असी 2 करोड़ की गल की, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग 12 तरीक नूं लिख दिंदा, PTI उसनू कवर करता है, उहदे ब्लॉग चों लिखदा है ये 2 करोड़ की गल करी जांदे है, मैं तो इन्हां नूं कई महीने पहले 10 करोड़ रुपया दिता है। बंगला साहब जिहड़ा सारा डायग्नोस्टिक सेंटर है MRI तो लैके दूजा, उहदे विच मैं 10 करोड़ रुपया दिता है। जदों अमिताभ बच्चन ने बोलदा उदों ये लिखते हैं, उदों ये मनदा है सिरसा कि हाँ जी ये 10 करोड़ भी आया सी। और अगला झूठ की कि वह जिथे मशीन लगी है जिथे 10 करोड़ लगा उथे 2 परिवार चावला ते जुनेजा परिवार नूं सरोपे पाता जदों उहदा उद्घाटन करता 3-4 महीने पहले, उथे आखदा है कि ये देखो इन्हां ने सानू ये चीज़ां दित्तियां ने, उन्हां ते फट्टी भी उत्थे लगदी है। अमिताभ बच्चन का जिक्र नहीं, ना अमिताभ बच्चन का संगत नूं दसदा, ना अमिताभ बच्चन का उहदे मैंबरां नूं, उहदी एग्जैक्टिव उहदे जनरल हाउस नूं भी नहीं पता। जदों झूठ फड़िया जांदा फिर मानदा हाँ जी अमिताभ बच्चन हुण बोल गया, राह कोई नहीं, कहिंदा हाँ जी ये 10 करोड़ रुपया भी मेरे कोल आया सी। और मैनू ये नहीं समझ आती, ये कहिंदा जी उहनूं अकाउंट 'च पाता, उन्होंने सुपना आया सीगा अमिताभ बच्चन नूं कि उत्थे मशीनां लोड़ ने 10-12 करोड़ दियां मैं दे देंगा, या इन्हां नूं सुपना आया सीगा कि अमिताभ बच्चन देना चाहता उहदियां जिहड़ियां बड़ियां टैक्निकल मशीनां ने MRI और CT scan, उन्हां लई कई नैगोसिएशन हुंदियां ने, कई कंपनियां का टेंडर किया जाता है, जिहड़ी कंपनी फाइनल की सी उसते टेंडर किया गया होएगा। मैं समझदा ये सारिया गल्लां एक तो बाद एक झूठ इन्हां दा फड़िया गया। अज मैं सार सुखबीर सिंह बादल नूं पुछदा वां, सार सुखबीर सिंह बादल तेरा दिल्ली का प्रधान कालका आखदा है कि असी कोई गलत काम नहीं किया, असी ये पैसे लए ने अगों भी लवेंगे। मैं पूछना चाहना अकाली दल क्यों नहीं बोलता पिया, अकाली दल की की पॉलिसी है? तुसी राह खोलिया सी पहले डेरे तो माफ़ी मंगाई सी, वह भी डील सरसे ने कराई सी, ये भी मैनू लगता कोई वड्डी डील है, ये कोई वड्डी डील है जिहदा बयाना इन्हां नूं मिलिया है। हुण मैनू लगता राह खुलेगा सज्जन और टाइटलर लई, हो सकता है ये तार पंजाब की कांग्रेस ते सुखबीर की अजकल दोस्ती गिनी जा रही है, जेडे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी हुई है, ये कितने उस चक्कर दे विच कोई नवा चैप्टर तो नहीं कौम के सामने आन लगा। अगली गल मैनू एडे फोन NRIs दे दिल्लियों पंजाब चों और 84 दे पीड़ित, वो आखते जी असी 100 रुपया, असी 10 रुपए, असी देण नूं तैयार हाँ, ये पैसा वापस जाना चाहिए। मैं श्री अकाल तख्त साहब से अपनी चिट्ठी रिसीव करा के गया, मैं सारिया शिकायतें दर्ज कीतियां ने, मैं अकाल तख्त साहब नूं आख्या है
कि तुसी ये दसो ये पैसा किदा वापस होना चाहिए। दिल्ली कमेटी कोई अकाउंट खोले, उस अकाउंट दे विच संगत पैसा जमा कराने तैयार है। जे असी अकाल तख्त जिहड़ा सरकारी बनिया सी गोल्डन टैंपल इलैक्शन तो बाद और मंजूर नहीं किया, कातलों के पैसे असी किदा लै सकते हैं। और जागो पार्टी वालों पहला 5 लाख रुपए का चैक असी देवांगे, दिल्ली कमेटी अकाउंट खोले उहदा, सिंह साहब उस ते मोहर ला देण और सब तो पहला 5 लाख का चैक जागो पार्टी वालों दिता जाएगा कि ये पैसे वापस देवांगे। सानू ये पैसे नहीं चाहिए, इत्थे ते अकबर बादशाह तो जगीरां नहीं लईयां गईयां, इत्थे ते वड्डे वड्डे आके करोड़ां रुपए का दान दिंदे, किसी का महिमा मंडल नहीं हुंदा। और सरसा साहब और कालका जी आखदे कि असीं धन्नवाद करदे हां सदी दे महानायक का जिसने सानू 2 करोड़ दिता, तुसीं 10 करोड़ नहीं बोले, 10 करोड़ तुहाडा झूठ फड़िया गया। हले 50 लाख रुपए इन्हां ने होर लिया होया, ये अज नहीं बोलणगे, अगले 2-4 दिन जरूर बोलणगे, इस तों बगैर 50 लाख होर है। 2 करोड़, 10 करोड़ और 50 लाख रुपए। किस चीज़ की मैं देखी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को बेअदबी हुई है जी, उसको लेके उसे जी सीसी फुटेज है वो उसे कल लोगों के बीच देखो, मैं वो फुटेज तो नहीं देखी, लेकिन मैं ये कह सकता कि कितने ना कितने अकाली दल ते कांग्रेस दियां तारां रलियां ने, ये एक दूजे नूं बचाण दी कोशिश कर रहे ने, की मसले ने इन्हां नूं ये जानते होणगे, लेकिन छुपियां नहीं रहणगियां, सामने आणगियां। हाँ जी, महामारी का टाइम चल रहा, लोग मर रहे, सियासत करना पोलिटिकल स्टंट करना कितना गया, पोलिटिकल स्टंट है, ये पोलिटिकल स्टंट है कि ये कातलों तो पैसे ले लैन, ये पोलिटिकल स्टंट है। असी तो कुछ असी मैनू ये दसो, इन्होंने 400 बैड लगाए असी रोकिया, इन्होंने 400 बैड लगाए असी रोकिया, असी किसी जगह नहीं रोकिया, लेकिन जेडे 400 बैड लगाए ने वो संगत वास्ते लाए ने, असी भी वो कोई ना कोई सहयोग किया होएगा, लेकिन तुम कातलों तो पैसे ले लो, इनू तुसी झूठ ते झूठ बोलते चले जाओ, तुहाडी कमेटी तुसी मैनू दसो SGPC है, इत्थे SGPC इत्थे है, SGPC किसे ऐसे बंदे तो फंड लवे तो अपनी एग्जीक्यूटिव नूं नहीं दसेगी। मेरे कार्यकाल ते होए ही नहीं, मेरे कार्यकाल दे विच ते पैसे ले ही नहीं गए, ये पैसे तो इन्हां ने ले आ। मैं समझदा सिरसा साहब का कोई योगदान नहीं, गुरुद्वारा कमेटी का कोई प्रधान होएगा, लंगर लगाने होण साडे वेले भी कितने आपदा आई होवे लंगर भी लाए ने, कितने किसी ते हमले हो जाण उन्हां दी जमानत भी कराईआं ने। 1984 का जिहड़ा सज्जन कुमार किन्ने अंदर कराता, 1984 की यादगार पार्लीमेंट के सामने किन्ने अंदर बनवा दिती। मैं समझदा ये किसी दे उस तां नहीं है, ये दिल्ली कमेटी का जिहड़ा भी प्रधान रहेगा उहदी ड्यूटी है, अज जो कर रही है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी कर रही है। मैं समझदा वा पंजाब च अकाली दल की होंद कितों बचा लेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का हले काम नहीं मुक्या सी इन्हां दे सिरों, ये नवा विवाद खड़ा कर दिता, हुण असी अकाल तख्त साहब नूं देखदे हां कि फैसला करते हैं। और मेरी ये बेनती है जथेदार अकाल तख्त साहब नूं कि इहनूं राह ना दे दिता जावे, जिद्दां तुसीं पहले ऑर्डर किए सी नगर कीर्तन ते सोना ते पैसे इकट्ठे होए सी उहदा हिसाब अज तक नहीं दिता। मैं और फिर ये आखदे है कि साडे कोल कोई सबूत नहीं है कि इहदा ना कदी लिया होवे, 2009 च रंधावा साहब ने PL पाई सी, 2011-12 च जगदीश कौर दा जिहड़ा बयान आया तुहाडे अमृतसर दी ना पुछो, वो कहिंदे मैं सरसे कोल गई हाँ कि सरसे अमिताभ बच्चन ते आपां केस पाणा, मेरे कोल ये सबूत हैगे, सबूत कढ़ा के दे, ते वो कित्थों मुकर सकदे आ। हाँ जी, मैं नहीं कह सकता, मैं तो अरदास करांगा कि उन्हां दी सेहत चंगी होवे जे करोना पॉजिटिव ने, और मैनू भी यही पता लगा पर उहदी रिपोर्ट नहीं कितें देखी, पर जो भी उन्हां नूं तकलीफ है गुरु महाराज उन्हां नूं चढ़दी कला च रखण, असीं अरदास करांगे। मैं समझदा ये फैसला अकाल तख्त साहब का है, मनजीत सिंह GK का नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसे का नहीं, सुखबीर सिंह बादल का नहीं है, ये फैसला अकाल तख्त का, कौम का, कौम फैसला करेगी करनी।